कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का वाराणसी दौरा, काशी में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का भी करेंगे निरीक्षण। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने छापेमारी कर सपा नेता को एक बंद दुकान में रंगरलिया मनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बंद दुकान से एक लड़की को भी बरामद किया है। सहारनपुर में उर्स के मेले में पहुंचे यमुनानगर डीआईजी ने जमकर कव्वाली पर ठुमके लगाए और इस बीच मर्यादा को ताक पर रखकर डीआईजी ने जमकर पैसे भी उड़ाए। सपा से विलय टूटने पर कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी ने सपा पर बोला हमला, कहा विलय रद्द कर अखिलेश यादव ने अपनी ब्रांडिंग की है, बोले मुलायम सिंह की मंजूरी के बाद ही विलय हुआ था। कौमी एकता दल के प्रकरण में जिस तरह से निर्णय लिए गए उससे स्वतः स्पष्ट है कि न पिता को बेटे के आदर्श का पता है और न बेटे की निगाह में पिता के फैसले की कोई कदर है। कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी ने प्रदेश और देश सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और यूपी की विफल सरकार यूपी के वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रही है। के लिए केंद्र की विफल सरकार और प्रदेश की विफल सरकार के मुखिया इन दोनों की मिलीभगत से अपने अपने फायदे में उत्तर प्रदेश के वातावरण को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि मुख्तार अंसारी को लेकर सपा केवल ड्रामा कर रही है, सपा का गुंडों से गठजोड़ है जो कभी खत्म नहीं होगा, राज्य में इस समय गुंडों को संरक्षण मिल रहा है, यूपी में अगर अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था ठीक करना चाहती है तो पहले दाखी मंत्रियों की छुट्टी करे। हाल ही में समाजवादी पार्टी द्वारा मुख्तार अंसारी की भी पार्टी को सपा में विलय करने या न करने को लेकर जो किस्म किस्म के नाटक किए गए हैं तो उससे प्रदेश की आम जनता पर इनके इस नाटक का कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मायावती ने सपा और बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा कि सपा और बीजेपी की मिलीभगत से प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। प्रदेश में सपा व बीजेपी के अंदरूनी मिलीभगत के कारण ही आए दिन यह सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण भी बिगड़ता रहता है। केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा और सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहन जी बहुत घबराई हुई हैं, उनके पार्टी के नेता टूट रहे हैं और बीजेपी में आने के लिए बेचैन हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सपा से है। औरैया में बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामकुमार कुरील ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने चुनाव जीतने के बाद एफआई की चौखट पर जाकर तलवे चाटे। उन्होंने कहा कि अगर बहन मायावती की सरकार बनी तो औरैया के डीएम और एसपी झाड़ू लगाने का काम करेंगे। तंजील अहमद हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी मुनीर को गिरफ्तार कर लिया है। मुनीर पर 2 लाख का इनाम था। तंजील हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुनीर की गिरफ्तारी से तंजील के परिजन बेहद खुश हैं। परिवार ने गिरफ्तारी के लिए खुफिया विभाग का शुक्रिया अदा किया है। तंजील ने भाई के आरोपियों की सजा की मांग की है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के एबीईएस इंजीनियरिंग के हॉस्टल में मुनीर 3 दिन से छिपकर रह रहा था। मुनीर के 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने देर रात ऑपरेशन के तहत उसे गिरफ्तार किया। तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर से पुलिस ने 9 mm पिस्टल और 2 रिवॉल्वर भी बरामद किए हैं। एडीजी दलजीत चौधरी ने इस मामले की जानकारी दी। नोएडा में पुलिस की PCR-47 के प्राइवेट ड्राइवर की पिस्टल से गोली चल गई। गोली लगने से मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में खाकी हुई दागदार, 2 पुलिस वालों पर कारोबारी को किडनैप कर फिरौती मांगने का आरोप। 5 लाख की फिरौती लेने पहुंचे सिपाही के सहयोगी को परिवार वालों ने पकड़ा। सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जन्मदिन आज। जन्मदिन पर लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित होगा कार्यक्रम। बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का कारनामा, गलत ऑपरेशन की वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है युवक। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद मरीज का पता मास। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने किनारे पर खड़ी 2 बाइक और 1 कार पर जोरदार टक्कर मार दी जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हाथरस में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद कर घायल कर दिया। वहीं अस्पताल में 3 पीड़ितों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
रायबरेली में एक परिवार के चार बच्चों के अचानक आंखों की रोशनी चली जाने से हड़कंप मच गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां चारों बच्चों का इलाज जारी है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बच्चों में बीमारी आनुवांशिक है। झांसी में समाजवादी पार्टी के नव घोषित प्रत्याशी दीपमाला की रैली में उनके समर्थकों ने जमकर असलहों का प्रदर्शन किया। समर्थक बाकायदा सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों पर मौजूद थे और खुलेआम असलहा लहरा रहे थे। समाचार प्रेस पर आगरा के अंश की खबर चलने के बाद सीएम अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया। एसडीएम और डॉक्टरों की टीम अंश के घर पहुंची। अंश के माता पिता ने समाचार प्रेस को धन्यवाद किया। बागपत के बिनौली इलाके में जौहड़ी गांव में पंचायत ने लड़की के बदले लड़की उठाने का अजीबो गरीब फरमान सुनाया। ये फरमान इसलिए सुनाया क्योंकि पुलिस गांव की लड़की को अभी तक बरामद नहीं कर सकी है। मैनपुरी में दबंगों ने जबरन बंद कर दी एक घर के पानी की निकासी की नाली। जब नाली खोलने के लिए कहा तो घर में अकेली महिला देख दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। आगरा के ताजगंज इलाके में एक युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी युवती के पति पर लगा है जो घटना के बाद से फरार चल रहा है। संभल में प्राथमिक विद्यालय के टीचरों का बिना जीएम की आज्ञा के तबादला करने पर बीएसए सीधे तौर पर फंस गए हैं। वहीं जीएम ने भी मामले में कार्रवाई करते हुए बीएसए कार्यालय के स्टेनो और हेड क्लर्क को निलंबित कर दिया है। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में स्वीपर द्वारा एक मरीज की कटी हुई उंगली पर टांका लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ताज्जुब की बात यह है कि मरीज का उपचार हो गया लेकिन उसका नाम और पता भी रजिस्टर में नहीं लिखा गया। रामपुर में एक स्वाट एम्बुलेंस के चालक की उसके दोस्तों ने चाकू से कूदकर हत्या कर दी। पुलिस मृतक योगराज सिंह के भाई की तहरीर पर आरोपियों की तलाश और जांच पड़ताल में जुट गई है। सिद्धार्थनगर में तैनात महिला कर्मचारी पैसे लेकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना रही है। एक वीडियो में ये सब कुछ कैद हुआ है। सर्टिफिकेट के लिए पहुंचे युवक से अतिरिक्त पैसे भी लिए गए। वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन खामोश है। हाथरस के सहपौ थाना क्षेत्र में चोरी का विरोध करने पर ग्रामीण को गोली मार दी गई। कुछ लोग गांव में बंद पड़े मकान में घुसकर चोरी की कोशिश कर रहे थे। पीड़ित ने चोरों को रोका तो उसे गोली मार दी गई। बदायूं में बीती 23 मई को जिला शासकीय अधिवक्ता साधना शर्मा की मौत का हुआ खुलासा। सड़क दुर्घटना में नहीं हुई थी मौत बल्कि हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। बीजेपी नेता पीसी शर्मा पर आरोप। मेरठ में टीचर को घर से बाहर बुलाकर बदमाशों ने मारी गोली। हत्या को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। दिल्ली से आई महिला और उसके साथियों ने ताजमहल की सुरक्षा में लगाई सेंध। रोकने पर शराब के नशे में धुत पर्यटकों ने ताज सुरक्षा पुलिस के साथ की बदसलूकी। कासगंज के सूरो इलाके में आपसी रंजिश में दबंगों ने दो लोगों को गोली मार दी। घटना में एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। सीतापुर में आम तोड़ने से मना करने पर दबंगों ने ग्राम प्रधान संग मिलकर बाग मालिक समेत कई लोगों पर चलाई गोली। इस गोलीबारी में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। लखनऊ में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के पिता को मारा चाकू। भागने पर लोगों ने पकड़कर जमकर की धुनाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। बारिश के कारण पूरा अलीगढ़ जलमग्न हो गया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आलम यह है कि लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। गोंडा के लिंगन चरसड़ी बांध पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हर साल बारिश में बांध टूटने से करीब लोग तबाही का दंश झेल रहे हैं। बांध की सही से मरम्मत न होने से खतरा मंडरा रहा है। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते घर में सो रहे एक ग्रामीण की चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया है। मिर्जापुर में गंगा के बीच पानी में रेत के टापू पर हाथी फंस गया। हाथी को फंसा देख गंगा घाट के किनारे स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। झांसी में डीके नाम के एक दारोगा पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पानी मांगने के बहाने दारोगा घर में घुस गया और महिला से दुष्कर्म किया। अलीगढ़ में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सालों पहले मृतक हो चुके किसानों को बांटे गए सहस्त्रार्थ चेक एक ही नाम से 2 से 5 चेक का भुगतान किया गया। फरुखाबाद वासियों के लिए रेलवे ने यहां के लोगों को कई सौगातें दी हैं। इनमें ऊपरगामी पुल, टॉयलेट और महिला वेटिंग रूम शामिल हैं। इन सेवाओं को बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने जनता को समर्पित किया।
कानपुर के बर्रा में कश्मीर में जवानों के मारे जाने से आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के पुतले को आग के हवाले कर दिया। फतेहपुर में प्राइमरी स्कूल में हैंडपंप ठीक करते समय लोहे का पाइप हाईटेंशन लाइन से छू गया, जिससे काम कर रहे एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई जबकि चार मजदूर झुलस गए। कौशाम्बी में जमीन में पड़ी दरार लोगों के बीच कोतूहल का विषय बनी हुई है। जमीन में पड़ी दरार लगभग 200 मीटर लंबी और लगभग 4 से 6 फीट गहरी है। मैनपुरी अवैध संबंध के चलते युवक के घर पर बुलाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को आरोपी ने अपने मकान के पीछे तालाब में फेंक दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पीलीभीत में बरेली बस्ती स्टेट हाईवे पर बना हरदोई ब्रांच नहर का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल पर गुजरने वाले सैकड़ों लोगों को जान का खतरा है। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ।